अध्यक्ष जी धन्यवाद। आप आसनित होने के बाद में मैं पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन दूसरा इसलिए भी करना चाहूंगा कि आपने जीरो आवर्स का उत्तर एक महीने में देना चाहिए इस प्रकार का आदेश निकाला है, इससे बहुत सारे सांसदों को लाभ होगा, इसलिए फिर एक बार आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जो मुद्दा उठाने जा रहा हूं पूरे देश भर के लिए है और सभी सांसदों के लिए है। आने वाले दिनों में महानगरों में अगर किसी बात के लिए इंटरनल वार होगा तो ट्रैफिक वार के लिए होगा, ऐसा मेरा मानना है। यातायात व्हीकल ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ते जाती है और महानगरों में जो डेवलपमेंट प्लान में जो रोड बताए गए हैं वो रोड फुल विड्थ में डेवलपमेंट हुआ नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को 2022 तक, जब हमारा 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, तब तक कुछ कामों को पूरा करने का उन्होंने तय किया है। मैं मानता हूं कि ये काम को भी अगर वो लेते हैं तो सभी महानगर पालिका के जो आयुक्त है वो जागरूक होंगे और सभी रोड को फुल विड्थ में करने का प्रयास करेंगे। मैं खास करके मुंबई शहर के बारे में अगर बताऊं, महात्मा गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया का मूवमेंट प्रारंभ किया था और मुंबई शहर की विशेषता के पूरे देश भर का आकर्षण मुंबई शहर है। इसलिए मुंबई शहर में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कहने वाला चाहिए और प्रधानमंत्री अगर इस बात को उठाते तो ये मुंबई शहर की समस्या बहुत जल्दी आसानी से छूट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे मुद्दा उठाने का अनुमति दिया, इसलिए आपका अभिनंदन फिर एक बार।